इलाहाबाद में चल रही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा और आखिरी दिन है। बैठक के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री इलाहाबाद के परेड ग्राउंड में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राम माधव ने आर्थिक प्रस्ताव तैयार किया है। इस बीच खबर यह भी है कि आज शाम बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी के बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे। बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। संगम नगरी में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है। मैं बता दूं कि कल पहला दिन था और कल नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे यहाँ, आज भी वो मौजूद रहेंगे। अमित शाह जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत की, जिसके पहले ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग हुई, जिसमें एजेंडा तय किया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किन मुद्दों पर बहस की जाएगी, किन मुद्दों पर चिंतन और मंथन की जाएगी। और कल आर्थिक प्रपोजल एक पास किया गया, जिसमें देश में कैसे आर्थिक विकास हुए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुए हैं, फिस्कल डिफिसिट क्या कैसा रहा है और जीडीपी ग्रोथ कितना रहा है, इस पर फोकस किया गया। इसके अलावा मैं बता दूं कि कल का दिन हम कह सकते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पहला दिन मोदी सरकार के दो साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियाँ मिली हैं उस पर फोकस रहा, कैसे विदेशों में हमारी नीतियाँ बनी हैं, हमारे देश के अंदर के बेरोजगारी दूर हुई है, मोदी सरकार ने ये दावा किया है और कल इसका ही दिन था, इस पे फोकस किया गया। और कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वो मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं, बूथ लेवल तक पहुंचाएं। अगर हम आज की बात करें तो आज दूसरा दिन है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, 10 बजे बैठक की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही आज दो प्रस्ताव पास होने हैं, जिसमें जो पाँच राज्यों के चुनाव हैं वो मुख्य है। पाँच राज्यों के चुनाव पर फोकस होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम है बीजेपी के लिए। और जैसा कि अमित शाह ने कल बोला कि 2017 में उत्तर प्रदेश में तो वो सत्ता में आएंगे ही और 2019 में दोबारा से केंद्र में सत्ता में आएंगे, तो जो आज जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें चुनावों पे फोकस किए जाएंगे कि क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं और किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। इसके अलावा आज संगठनात्मक फेरबदल और संगठन पे भी चर्चा होगी। कल नरेंद्र मोदी ने जब ऑफिस बेयर के साथ मीटिंग की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि वक्त के साथ संगठन में बदलाव करने की ज़रूरत है, उसके विस्तार करने की ज़रूरत है, ज्योग्राफिकल या मेंबरशिप वाइज, तो आज उस पर चर्चा होगी। और उम्मीद की जा सकती है कि आज जो संगठन पर चर्चा होगी उसमें अमित शाह की नई टीम पर भी फैसला हो सकता है कि कौन से नए चेहरे टीम में आ सकते हैं, कोई फेरबदल होती है या पुराने चेहरे जो मौजूद हैं उनको ही उनके साथ ही आगे का कार्यकाल जारी रखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें अपराहन भोजन के पहले दो प्रस्ताव पास किए जाएंगे, संगठनात्मक जो भी चिंतन है, जो मंथन है वो की जाएंगी, उसके बाद 3:15 बजे नरेंद्र मोदी जी की उद्बोधन होगी, वो यहाँ संबोधित करेंगे सभा को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, जिसके बाद यहाँ से लोग रैली स्थल पर जाएंगे, परिवर्तन रैली में शामिल होंगे जहाँ हजारों कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी जी। और उम्मीद की जा रही है कि 4 लाख कार्यकर्ता यहाँ देश भर से पहुँचेंगे। अब देखना ये है कि ये परिवर्तन रैली जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव की यहाँ से शुरुआत हो रही है वो कितना रंग लाता है और किस हद तक कितना सक्सेसफुल होता है। अलाहाबाद से कैमरामैन अमर के साथ गीतिका वर्मा, इंडिया 24/7 के। हम सीधे रुख करेंगे इलाहाबाद का। हमारे साथ अमित सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आर्थिक सर्वे तैयार किया गया है राम माधव की तरफ से, उसकी हाइलाइट्स कुछ आई हैं क्या? जी बिल्कुल, राम माधव की तरफ से जो आर्थिक नीति तैयार की गई है उसमें सबसे जो प्रमुखता दी गई है वो समाज के बिल्कुल आखिरी तबके पर खड़े व्यक्ति को प्रमुखता दी गई है। छोटे छोटे उद्योग धंधों के सहारे किस तरीके से छोटे छोटे रोजगार सृजित किए जा सकते हैं, इस पर उसमें विस्तार से चर्चा है और आज उस प्रस्ताव को सहमति तो हालांकि सैद्धांतिक मिल चुकी है, उसको लेकर आज फाइनली जब कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होगी तो उसको लेकर जो प्रस्ताव पारित होगा उसमें क्या कुछ और विशेष है वो
रविशंकर प्रसाद बताएंगे। इसके साथ साथ संगठनात्मक ढांचे में क्या कुछ बदलाव होगा उसके भी संकेत आज यहाँ से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ काले धन के मुद्दे पर दो साल जो बेमिसाल कामयाबी के NDA सरकार लगातार इसको प्रचारित करती रही है, इसको लेकर भी आज यहाँ चर्चा होगी। 2017 के लिहाज से ये महत्वपूर्ण माना जा रहा कार्यकारिणी दो दिवस कार्यकारिणी की ये जो बैठक है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर कुछ भी महत्वपूर्ण जो चर्चा अंदर हो रही है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, चाहे वो प्रचार समिति के प्रमुख के रूप में किसी नेता को जिम्मेदारी देने की बात हो या मुख्यमंत्री पद के लिए कौन कौन से संभावित चेहरों की बात हो, तो इसको लेकर खास गोपनीयता बढ़ती जा रही है। शेखर, आप मेरे साथ बने रहिए। अमित, मैं वापस आऊंगा आपके पास। और आर्थिक प्रस्ताव, माफ कीजिएगा, राम माधव ने तैयार किया है, मैं गलती से उसे सर्वे कह गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भले ही बीजेपी के तमाम मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन फोकस यूपी चुनाव है, लिहाजा बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर अखिलेश सरकार है। बीजेपी नेता अखिलेश राज की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इतने कह सकती हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियां सामने आ रही हैं, विकास किया नहीं है, कानून व्यवस्था पर काबू नहीं है। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। एक वक्त आएगा जहां सब लोग यूपी छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सचमुच में ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई किसानों की रक्षा है, ना कोई जान की रक्षा है। मैं MP होकर के मुझे दिन में और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 या 15 फोने आते हैं रोज़ कि मेरी लड़की का अपहरण हो गया, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, गाय यहाँ से निकल रहा है कटने के लिए, पुलिस उसके साथ शामिल है, इस तरीके से। प्रदेश सरकार की, प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और इस वक्त एक भयंकर गुंडा राज, एक मैं कहता हूँ कुशासन की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। जिस अरमानों के साथ प्रदेश की जनता ने एक युवा चेहरे को बैठाया था, भ्रष्टाचार और गुंडाराज, आज वो दोनों स्थितियों के अंदर फेल हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई काम उत्तर प्रदेश के अंदर बिना रिश्वत दिए नहीं पैदा होता। एक मथुरा तुम्हारा बिसाहड़ा और उसके बाद कैराना की घटना तो दहला देने वाली है। इसमें कहीं ना कहीं नेक्सस की गंभीर जांच होनी चाहिए। माननीय गृहमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है और इस विषय में उत्तर प्रदेश की सरकार का तो स्टेप डाउन होना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए। तो अब बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज बीजेपी के राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सभी नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान करेंगे, साथ ही बीजेपी समर्थित सांसदों का भी सम्मान होगा। इस मौके पर हरियाणा से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद रहेंगे। और एक बार फिर से रुक करते हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अमित, अब दो मसले हो गए, यानी बीजेपी के पास दो तरीके की चीजें हैं, एक तो ये कि वो केंद्र सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाए और दूसरा उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उस पर पार्टी नेतृत्व लगातार तीखा हमला बोल रहा है। गृह राज्य मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि आपको रिपोर्ट अब तक भेज देनी चाहिए थी, किसी बात का इंतजार होगा जो अब तक मांगी नहीं गई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज शाम को सांसदों के साथ अमित शाह जो मीटिंग करने जा रहे हैं उसमें यूपी के सांसद लचर रवैया ही रखे हुए हैं, मंत्रियों की पूरी फौज झोंकने के बावजूद अभी संतुष्ट नहीं हुआ है पार्टी और संगठन कि सांसद उसके क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए आज शाम की इस बैठक में? देखिए, निश्चित रूप से सांसदों का जो परफॉर्मेंस रहा है इससे प्रधानमंत्री भी नाखुश हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नाखुश हैं। और जो दो दिवसीय बैठक आज जो दूसरा दिन है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी को लेकर है कि दो साल का जो कामकाज है वो आम आदमी तक जो अब तक पहुंच जाना चाहिए था और जो जिम्मेदारी बनती थी नेताओं की सांसदों की वो उन्होंने जिम्मेदारी ईमानदारी तरीके से नहीं निभाई, इसको लेकर आज का दिन विशेष महत्व रखता है। आज चूंकि एक घंटे का प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण है कार्य समिति के सदस्यों के साथ और उस एक घंटे में प्रधानमंत्री जी इसी बात पर जोर देंगे कि दो साल में जो केंद्र सरकार ने कामकाज किए हैं वो आप अपने संसदीय क्षेत्र तक पहुँचाएँ और एक
प्रभावपूर्ण तरीके से पहुंचाए, चूंकि अखिलेश सरकार को घेरने के साथ साथ चूंकि 73 सांसद आपके उत्तर प्रदेश से है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपने दो साल में क्या कुछ करके दिखाया है। और जब केंद्र सरकार बार बार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक कोई भी सेक्टर छूटा नहीं है, तो आम लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं सांसदों की जो लचर रवैया है उसको लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से कुछ ऐसा सूत्र प्रधानमंत्री देंगे, अमित शाह एक डिनर पार्टी भी दे रहे हैं सांसदों को, और उस डिनर पार्टी में इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी कि आप किस तरीके से दो साल के कामकाज को आम आदमी तक पहुंचाएं। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बीजेपी के लिए। जी, आप लोगों ने जो रिपोर्ट भेजी उसमें ये भी आप कह रहे हैं कि जब शाम को मीटिंग होगी सांसदों के साथ तो उसमें विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर भी विचार हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर ये जल्दबाजी अभी नहीं है तो इन नामों को तय करने में क्या सांसदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि हम आपके हिसाब से नाम ले लेंगे मेरिट वाइज, लेकिन जिताना आपकी जिम्मेदारी होगी, या फिर यूपी विधानसभा चुनाव में जो नाम तय होंगे अमित शाह उस पर खुद एक एक कैंडिडेट पर नजर रखेंगे, क्या होने वाला है? देखिए, बहुत विस्तार पूर्वक इस पर काम होगा, चूंकि सिर्फ एक सांसद की ही जिम्मेदारी नहीं होगी या सिर्फ एक सांसद के ही प्रस्तावित नाम पर मुहर नहीं लगाएगी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है या पार्लियामेंट्री बोर्ड है। एक एक विधायक के लिए जो प्रत्याशी का नाम तय होगा उसको लेकर बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता हैं उन तक का फीडबैक पार्टी लेगी, और पार्टी ने इसीलिए कहा है कि 4 सर्वे वो नवंबर तक करेगी, और 4 सर्वे के बाद ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि किसी चेहरे पर वो फाइनली मुहर लगाती है या नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि सियासी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक मुद्दा यहाँ बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए शायद इलाहाबाद को चुना गया है कि इलाहाबाद एक ऐसा पॉलिटिकल जंक्शन है जो पूर्वांचल में भी ना होकर पूर्वांचल के करीब है, बुंदेलखंड और अवध का हिस्सा भी नहीं है लेकिन उनके करीब है। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखकर एक एक प्रत्याशी के नाम पर जब चर्चा होगी तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के राय को भी पार्टी तवज्जो में रखेगी और उसके बाद ही केंद्रीय नेतृत्व किसी नतीजे पर पहुंचेगा। शेखर, शुक्रिया इन जानकारियों।